नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी की है, जिसमें 195 लोगों का नाम सामने आया है। सुबह ही हमने आपको बताया कि आसनसोल से पवन सिंह को जो है प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब विदिशा से शिवराज सिंह चौहान जो है प्रत्याशी बने हैं। भाजपाइयों ने आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया है, तो साथ ही साथ हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी ने डॉक्टर माधवी लता को उतारा है। वहीं तीसरी बार एक बार फिर से आपको बता दें कि मथुरा के लिए हेमा मालिनी जो है बीजेपी की पसंद है। एक नहीं, दो नहीं, अब तीसरी बार भी हेमा मालिनी को ही मथुरा के लिए जो है बीजेपी ने चुना है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है इसके बारे में हम आपको देंगे विस्तृत जानकारी, एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिवराज सिंह चौहान की। तो आपको बता दें कि इस वक्त जो है लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ही पूर्व भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के 24 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा शनिवार देर शाम को ही की। इस लिस्ट में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है, जिन्हें उनकी परंपरागत सीट विदिशा से उम्मीदवार बनाया गया है। जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व ने के द्वारा उम्मीदवारों की सूची घोषित की गई, उसमें विदिशा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आने के बाद कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई और भेरुदा नगर से दुर्गा मंदिर चौराहे पर आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। लगभग एक घंटे से भी अधिक समय तक भाजपा कार्यकर्ता चौराहे पर खुशियां मनाकर एक दूसरे को बधाई देते रहे। यही नहीं, खुद शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट कर लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष और युग दृष्टा हैं। उन्होंने भारत का अभूतपूर्ण विकास कर जन कल्याण का इतिहास रचा और अब विकसित भारत का संकल्प भी उनके ही नेतृत्व में पूरा होगा। इस संकल्प को पूरा करने में मुझे भी गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर मिला है। विदिशा संसदीय क्षेत्र से मेरा अत्यंत आत्मीय रिश्ता है। यहाँ की जनता ने 5 बार सांसद के रूप में चुनकर मुझे सेवा करने का सौभाग्य दिया। एक बार पुनः पार्टी ने अपने इस परिवार की सेवा का अवसर मुझे दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता के दिल में है। उनके नेतृत्व में भाजपा 400 से अधिक सीटें प्राप्त कर सरकार बनाएगी। हर दिल में आवाज आ रही, अब की बार फिर मोदी सरकार। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और गृहमंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जनता की सेवा करने के कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इस दौरान और भी काफी कुछ वो कहते नजर आए, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है और जन कल्याण के कामों में इतिहास रचा गया है। हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है, फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है। बहुत संतुलित सूची है और भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसले किए हैं। युवाओं को भी अवसर दिया गया है, समाज के हर वर्ग को, टैलेंट को, अलग अलग तरह का काम करने वाले लोगों को, बहनों को, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। बहुत संतुलित और बहुत योग्य टीम का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
हाँ उनको भी बहुत बधाई, बहुत सोच समझ के पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। सर आपका एक बयान खूब चर्चाओं में रहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आप दिल्ली ने बुलाया। मैंने कभी नहीं कहा। अरे देखो उसको आप अनर्गल तरीके से चीजों को मत लो। मैंने हमेशा ये कहा था कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जो काम देगी पार्टी मेरे लिए कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है, उस काम को मैं पूरा करूंगा। देखिए तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और समय आप दे रहे तो जैसा कि आपने सुना, शिवराज सिंह चौहान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते नजर आए। इस दौरान उन्होंने काफी कुछ जो है अपने तरफ से दिल की बात जो है अपनी उन्होंने सामने रखी और बताया कि किस तरीके से वो आगे काम करने की इच्छा रखते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान को मिली उम्मीदवारी के बाद जो है लगातार जश्न देखने के लिए मिला, उनकी पत्नी ने सिर पर तिलक लगाकर उनका जो है घर में स्वागत भी किया। और अब इस मामले पर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है मोहन यादव जी भी जरा सुन लीजिए। एक बार मोदी सरकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस चुनाव में जिस प्रकार से हमारा अपना मनोबल और वर्तमान परिस्थितियां और माननीय मोदी जी का काम और काम के आधार पर जनता के बीच उनका आधार दिख रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरी लोकसभा चुनाव के 195 माननीय सांसदों की सीट का अनाउंस किया गया है और इस सीट के माध्यम से संकेत हो गया है कि हम अपने सशक्त जनता के बीच लोकप्रिय उम्मीदवारों को लेकर के जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि प्रदेश में भी 24 सीटों का अनाउंस हुआ है और इसमें सभी वर्गों के साथ सभी परिस्थितियों को देखते हुए यथायोग्य पार्टी ने जितना बेहतर कर सकते थे उतना अच्छा करते हुए निर्णय किया है। मैं अपनी ओर से सभी उम्मीदवारों को बधाई देना चाहूंगा और निश्चित रूप से हम अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश की सभी सीटें जीत करके और देश की भी सभी सीटें जीत करके हम फिर एक बार 400 पार की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। सर गुना से संध्या जी और विदिशा से शिवराज जी को टिकट? हाँ हमारे लिए बड़े नेता है, उनकी जरूरत है, उस कारण से उनको टिकट दिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि न केवल गुना में सिंधिया जी को दिया है बल्कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, वो उनकी पुरानी सीट है विदिशा से और वो अपने प्रचंड बहुमत से पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और इसी प्रकार से माननीय वीडी शर्मा जी को खजुराहो से दिया है। जहां जहां उम्मीदवार की दृष्टि से निर्णय करना थे वो सब निर्णय बहुत अच्छे हुए हैं और मेरी अपनी ओर सबको बधाई। तो जैसा कि आपने सुना मोहन यादव जी भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं, उन्होंने भी काफी बधाइयां जो है शिवराज सिंह चौहान को दिया है और यहाँ पर वो कहते नजर आए कि किस तरीके से शिवराज जी जो है अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम करेंगे, उन्हें पूरा विश्वास है कि वो जीत कर जरूर आएंगे। तो वही दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की राजनीति गर्मा गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही चुनावी सरगर्मी तेज होती दिख रही। भाजपा ने मथुरा लोकसभा सीट से फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी को एक बार फिर भरोसा जताया। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से हेमा मालिनी चुनावी मैदान में टक्कर नजर देती नजर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद हेमा मालिनी ने पार्टी नेतृत्व पर भरोसा जताया और साथ ही उन्होंने मथुरा के लोगों के विकास के लिए लगातार काम करने की भी बात कही। मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने तीसरी बार टिकट मिलने के बाद कहा कि मुझे एक बार फिर मौका मिला, तीसरी बार मथुरा से लड़ने के लिए टिकट दिया गया है, मैं यहां पर पहले से मुकाबले और काम करूंगी। उन्होंने कहा कि मुझ पर फिर से विश्वास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। क्या कुछ कह रही हैं वो जरा सुनिए। तीसरी बार मथुरा से लड़ने के लिए टिकट दिया है और क्योंकि मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफी किया है पहले 5 साल में, सेकेंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया, अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू सो दैट मथुरा का स्थल एकदम ऊपर और भी ऊपर जाए। वो तो है ही ऊपर, कृष्ण की नगरी है,
आई हैव टू डू मच मोर देन व्हाट आई डिड। इसको धन्यवाद कहेंगे? मैं धन्यवाद हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री को देती हूँ, देन अमित शाह जी को, देन नड्डा जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, और हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी को। इन लोगों ने मुझ पर विश्वास रखकर मुझे वापस टिकट दिलाया है, तो मुझे ब्रजवासियों को वापस उनके लिए सेवा करने का अवसर मिला है। क्या नया क्या करेंगे? नया बहुत कुछ करेंगे, आप देखिए अभी क्या क्या करेंगे। राधे राधे, मुझे तीसरी बार मथुरा लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर मुझ में पार्टी नेतृत्व द्वारा जो विश्वास जताया गया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने नेतृत्व को आश्वस्त करती हूँ कि मथुरा के विकास और मथुरा वासियों के जीवन में समृद्ध लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। 10 साल में बहुत कुछ किया है, आगे 5 साल की योजना बनी हुई है। मेरा जीवन मथुरा के लिए समर्पित है, मथुरा वासियों के लिए समर्पित है। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मुझे तीसरी बार मथुरा की सेवा करने का मौका मिला है। राधे राधे, मेरी दिली ख्वाहिश है मैं मथुरा के लिए बहुत कुछ करूं। मैंने पिछले 2 कार्यकाल के दौरान मथुरा की सेवा के लिए कई कार्य किए हैं, आगे भी यहां पर काम करती रहूंगी। ब्रजवासियों की सेवा के लिए मैं लगातार लगी रहूंगी। मुझे इसका मौका देने के लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एक बार फिर चुनावी तैयारी में जुटने का भी आह्वान किया। वही अब बात कर लेते हैं असदुद्दीन के क्षेत्र की। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी। भाजपा ने हैदराबाद में AIMIM सुप्रीमो और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ डॉक्टर माधवी लता को प्रत्याशी बनाया है। माधवी राजनीति विज्ञान में परांगत हैं, वे हैदराबाद के एक नामी अस्पताल के चेयरपर्सन हैं। माधवी को प्रत्याशी घोषित करते ही सोशल मीडिया में उनके समर्थन में मुहिम छेड़ दी गई। बच्चों को दिया श्री भगवत गीता का ज्ञान। माधवी 3 बच्चों की मां है। उनकी बड़ी बेटी लोपा मुद्रा 19 वर्ष की है, जो IIT मद्रास से बीटेक कर रही। दूसरे नंबर पर 16 साल का बेटा रामकृष्ण परमहंस है, वो भी IIT मद्रास से बीटेक का प्रथम वर्ष का छात्र है। माधवी की सबसे छोटी बेटी मोदिनी है, जो फिलहाल कक्षा 11 में पढ़ती है। मोदिनी भी अपने भाई और बहन की तरह IIT करना चाहती है। माधवी ने अपने बच्चों को बचपन से ही खुद पढ़ाया। वो बच्चों को अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के साथ साथ उन्हें श्री भगवत गीता और महाभारत का भी ज्ञान दिया है। NCC कैंडिडेट और भरतनाट्यम नृत्यांगना माधवी लता के पति का नाम विश्वनाथ है, वो एमिरेट्स विचरी नाम की कंपनी के संस्थापक है। माधवी तेलंगाना टुडे को बताती है कि उन्होंने कई अनाथालयों को दान किया। माधवी लता प्रोफेशनल भरतनाट्यम नृत्यांगना है, वो अब तक 100 से ज्यादा स्टेज प्रस्तुति दे चुकी है। माधवी अपने छात्र जीवन में NCC कैंडिडेट भी रह चुके हैं। डॉक्टर माधवी लता को तेलंगाना में हिंदुत्व का मुखर चेहरा माना जाता है। कोटी महिला कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में एमए करने के बाद वो मूलतः शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक कार्यों में काफी ज्यादा सक्रिय रही हैं। इन कार्यों को वो ट्रस्ट और संस्थानों के माध्यम से करती हैं। हैदराबाद से भाजपा की पहली महिला प्रत्याशी माधवी के हिंदू धर्म को लेकर दिए जाने वाले भाषण अक्सर ज्यादा वायरल होते रहते हैं, और ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी को उतारना भी बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जुड़ा हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।